इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था चार्ज के बारे में, याद है? एक तो स्माइलिंग फेस से बैठा करो, खुश खुश हंसते हुए रहा करो हमेशा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था आपको बच्चों? चार्ज के बारे में। बोलो क्या पढ़ाया था? चार्ज। तो आज लिखे सब बच्चे कूलम्ब्स लो, सब लोग लिख लीजिए कूलम्ब्स लो, CoulombsLaw, कूलम्ब्स लो, CoulombsLaw, कूलम्ब्स लो के बारे में। इसमें लिखिए बच्चों व्हाट इज कूलम्ब्स लो, सब लोग लिखें व्हाट इज कूलम्ब्स लो, एक्सप्लेन इट। देखो अब लिखना मत बच्चों, आराम से सुनना मुझे, पहले लिखना नहीं है कोई भी, ठीक है? सुनो मुझे, आपकी बुक में जो लिखा है वो नहीं पढ़ना, जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ना है। इसमें सारी बुक्स कवर हो जाएंगी दुनिया की आपकी सारी। देखो कूलम्ब एक साइंटिस्ट था, इसने चार्जेस के बीच में फोर्स के कैलकुलेशन करना सिखाया। जब मैंने पढ़ा 12th का पेपर, नीट का, जेई मेंस का, जितने पेपर में देखा, जितने क्वेश्चंस आए थे उनके बेस पे अपने एक थ्योरी तैयार कर लिया, और ये अल्टीमेट है, बुक्स में नहीं मिलेगी ऐसी। आप मेरे से डायलॉग मारना, कहना सर कूलम्ब्स लो कैन बी एक्सप्लेन बाई थ्री वेज। कूलम्ब्स लो को समझाने के तीन तरीके होते हैं बच्चों, तो कूलम्ब्स लो कैन बी एक्सप्लेन बाई थ्री वेज। आप लिखना मत कोई भी। सबसे पहला मेथड बताया बच्चों उसने स्केलर, ये पहला था स्केलर। सेकंड बताया उसने वेक्टर, और थर्ड था पोजीशन वेक्टर। तो कूलम्ब्स लॉ कैन बी एक्सप्लेन बाय थ्री वेज, स्केलर, वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। स्केलर के बच्चों दो बच्चे हुए स्केलर के, एक का नाम हुआ वैक्यूम और एक का नाम मीडियम। मतलब स्केलर को कूलम्ब्स लॉ में समझना हो तो या तो वैक्यूम में पढ़ते हैं या मीडियम में पढ़ते हैं बच्चों। मीडियम दुनिया में दो तरह का पाया जाता है, या तो पार्शियल मीडियम या फुली फिल्ड मीडियम। देखो बच्चों अगर दो चार्ज मेरे पास है और एक हाथ बीच में आ जाए तो इसे पार्शियल कहेंगे, तो बाकी खाली जगह है, पर दोनों चार्ज पानी में डाल दो तो इसे फुली फिल्ड मीडियम बोलते हैं। तो याद रखना मीडियम दुनिया में दो तरह का होता है, एक होता है, ये तो समझ में आ गया चार्ज के एक्सप्लेनेशन। देखो कूलम्ब्स लॉ की, स्केलर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, स्केलर के दो पार्ट वैक्यूम मीडियम, मीडियम के बच्चों दो पार्ट, एक आएगा पार्शियल मीडियम और एक आएगा फुली फिल्ड मीडियम, एक पार्शियल मीडियम और दूसरा आएगा फुली फिल्ड मीडियम। क्या मेरी बात क्लियर हुई बच्चों? लिखना नहीं है किसी को भी। तो आपको अब यह बोलना है कूलम्ब्स लॉ कैन बी एक्सप्लेन बाई थ्री वेज, स्केलर वेक्टर पोजीशन वेक्टर। स्केलर के दो बच्चे हुए वैक्यूम मीडियम, मीडियम के दो पार्ट हुए पार्शियल मीडियम और फुली फिल मीडियम। लिखना किसी को नहीं है, सिर्फ सुनना है। हुआ क्या बच्चों, स्केलर के अंदर सबसे पहले वैक्यूम पढ़ाया जाता है। वैक्यूम का मतलब है कि दो चार्ज Q1 और Q2 अगर r डिस्टेंस पे रखे हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, अगर प्लस चार्ज होंगे बच्चों तो वो रिपल होंगे, अगर प्लस माइनस होंगे अपोजिट चार्ज तो अट्रैक्ट होंगे। तो कितना रिपल या कितना अट्रैक्ट होंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो बच्चों कूलम्ब्स कहता है वो मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है। एफ डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, वो डिपेंड करता है बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, 1/r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो Q1 Q2 / r² आ जाएगा, और इसको प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो इक्वल टू साइन आ जाएगा K Q1 Q2 / r². ये कूलम्ब्स लॉ है, अभी आप लिखेंगे नहीं, बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे। कोई पूछेगा व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, तो अगर लॉलीपॉप तरीके से बोलना हो तो बोलना K Q1 Q2 / r². ये छोटी मोटी बातें लोग बोलते हैं, हम तो बड़े बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हम बोलेंगे सर कूलम्ब्स लॉ समझाने के तीन तरीके हैं, स्केलर वेक्टर पोजीशन वेक्टर। स्केलर के दो बच्चे हुए, या तो वैक्यूम में समझ लो कूलम्ब्स लॉ, या किसी मीडियम में समझ लो। मीडियम दो तरह का हुआ, या तो पार्शियल मीडियम में समझ लो, जैसे दो चार्ज में एक हाथ का रखना पार्शियल है और दोनों चार्ज पानी में डाल दो तो फुली फिल्ड कहलाता है बच्चों।
तो इन सब भी गुलाम स्लो हमें समझना है, तो आप गुलाम स्लो के मास्टर हो जाओगे, आपकी पीएचडी हो जाएगी। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, आप बोर्ड के बच्चे हो तो पहले बोर्ड के लिए इसका एक स्टेटमेंट लिखाएंगे जो स्कूल एग्जाम में लिखा जाता है। तो फॉर स्कूल एग्जाम एक स्टेटमेंट लिखो, उसने क्या कहा था, कहना क्या लिखाओगे आप, क्या हीरो बनोगे। कहना सर आप हीरो ऐसे बनोगे, आप हमें ये लिखवाने वाले हो कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है, और फिर लिखवाने वाले हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। तो ये जो डायलॉग है इसको एक बुक की फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे आपके नोट्स अच्छे बन जाएंगे बच्चों। तो आओ पहले गुलाम स्लो की स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद इसका बोर्ड वाला क्लासिफिकेशन लिखेंगे। पहले कुछ नहीं लिखना, तो लिखो स्टेटमेंट, बच्चों को बोलूंगा आप लिखते चलें। इट स्टेट्स दैट टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपल। It states that two point charges attracts or repel each other with a force which is directly proportional to the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them and inversely proportional to the square of the distance between them. अब आप लिखें नीचे क्लासिफिकेशन में लिखना है जैसे मैंने बोला वैसे लिखना है, मेरी तरफ देखना है। यहां लिखना है गुलाम स्लो के तीन बच्चे स्केलर वेक्टर पोजीशन वेक्टर। स्केलर के दो पार्ट लिखने हैं वैक्यूम एंड मीडियम। मीडियम दो पार्ट में लिखना है, पार्शल मीडियम एंड फुली फिल्ड मीडियम। बच्चों इसमें आप एक काम करेंगे, लिख लिया, अब इसका ए पार्ट लिखो, नोट्स अच्छे बनाना। गुलाम स्लो इन वैक्यूम। उसके बाद ये Q1 Q2 R ये सारा कॉपी करो, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और नीचे 1/R² इनको मिलाओगे तो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 / R² और इक्वल टू K Q1 Q2 / R². तो ये गुलाम स्लो का फॉर्मूला लिखा गया है। देखो बच्चों मैंने ये लिखवाया Q1 और Q2 पहला पॉइंट R डिस्टेंस, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है सिर्फ बोर्ड पे देखिए आप, वो होता है K Q1 Q2 / R². मेरे प्यारे बच्चों इसमें K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये एक नया कांस्टेंट आया है, सिर्फ बोर्ड पे देखना, लिखना नहीं है तो पाप लगेगा, पहले सुनो पूरा। अब बच्चों ये जो K आया है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बड़ी फिक्स होती है जिसको कहते हैं 1/4 πf साइलेंट नोट।
एफ साइलन सी वाई एल ए एन इसका नाम है, जो ई नोट के नाम से कई लोग बोलते हैं, पर इसका नाम है एफ साइलन नोट। तो ये के की वैल्यू जो आप पुट करोगे तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 pi एफ साइलन नोट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर। ये आपके पास वैक्यूम का फोर्स कहलाता है। तो बच्चों दो चार्ज बनाओ, उसमें के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर लिखो, आर बीच का डिस्टेंस है, के की वैल्यू लिखो 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। जब आप ये लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर। ये लिख लीजिए आप कूलम्स लॉ इन वैक्यूम, कूलम्स लॉ इन वैक्यूम। सर एक्सक्यूज मी, कुछ बच्चे ना नए आए हैं, थोड़ा सा उनको रिफ्रेश करा देना अगर आज वाला ही, अभी कुछ बच्चों ने एंट्री दी है। बच्चे दिख नहीं रहे मुझे। नहीं वो किरणदीप है और नवनीत अभी एंटर हुए हैं। लिंक जो नए बच्चे हैं वो सुनना, हम लोग ट्वेल्थ में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ चार्जेस पर फोर्स के स्टडी का था कॉन्सेप्ट, चार्जेस पर फोर्स की स्टडी कैसे निकालते हैं, चार्जेस में फोर्स कैसे निकालते हैं। तो मैं बच्चों जो नए बच्चों को मैं पुराना लेक्चर रिपीट कर दूंगा बाद में, अभी यहां से समझना। तो ये फर्स्ट चैप्टर है ट्वेल्थ का कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ के अंदर चार्जर पर चार्जेस पे फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके मेथड मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। तो इसमें तीन मेथड बताए हैं कूलम्स लॉ को निकालने के, या तो स्केलर मेथड में पढ़ लो, या वेक्टर में पढ़ लो, या पोजिशन वेक्टर में पढ़ लो। बच्चों स्केलर मेथड के दो पार्ट करेंगे, वैक्यूम या मीडियम। मीडियम हम दो पार्ट में करेंगे बच्चों, पार्शियल मीडियम या फुली फिल्ड मीडियम। ठीक है, जो नए बच्चे आए हैं पहली बार उनको ये बताया मैंने। तो बच्चों कूलम्स लॉ को स्केलर के अंदर जो वैक्यूम है वो मैं समझा रहा हूं इस तरह से, ये Q1 Q2 दो चार्ज हैं, बीच का डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स होगा वो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, और जो के की वैल्यू होती है बच्चों ये कॉन्स्टेंट है, ये आपको याद रखनी है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट किसी कॉन्स्टेंट का नाम है जिसकी वैल्यू मैं लास्ट में आपको लिखाऊंगा 8.85 × 10⁻¹2, पर अभी आपको नहीं लिखनी, ये पेपर में दी भी होती है। तो ये कॉन्स्टेंट है, तो वैक्यूम में जो फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में, मेरे प्यारे बच्चों ये दो चार्ज आपके पास है, इनके बीच का अगर आपको फोर्स निकालना है तो डायलॉग मारना है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर, के का नाम है कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, या 9 × 10⁹9, वो मैं अलग से लिखवा रहा हूं। तो ये बात मैंने नए बच्चे जो आए उनको मैंने ये बताया है इसके अंदर। ठीक है, यहां तक का आप कॉपी कर लीजिए पहले। कूलम्स लॉ स्केलर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, स्केलर के दो पार्ट नए बच्चे, वैक्यूम एंड मीडियम, मीडियम के दो पार्ट पार्शियल एंड फुली फिल्ड। इसे मैं रब कर देता हूं, बच्चों कूलम्स लॉ का अगला पार्ट लिखना है आपको, पहला वैक्यूम का लिख लिया, सेकंड पार्ट लिखना है कूलम्स लॉ इन मीडियम, कूलम्स लॉ इन पार्शियल मीडियम। सब बच्चे लिखें कूलम्स लॉ इन पार्शियल मीडियम, कूलम्स लॉ इन पार्शियल मीडियम। बस आपका काम खत्म, अब सब बच्चे बोर्ड पर देखो पूरा। जो नए बच्चे हो याद रखना हो उसको यही बात बोलनी है कि जो कूलम्स लॉ होता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चार्जेस पर फोर्स की स्टडी। तो आओ बच्चों हम कूलम्स लॉ इन पार्शियल मीडियम, ये थोड़ा सा पॉइंट मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं कि आप और बच्चों से आगे रहेंगे, बाकी लोग आपको पढ़ाएंगे नहीं पॉइंट, जो आपके फ्रेंड्स कहीं मर्जी दुनिया में पढ़ते हो ये आधी अधूरी बात लोगों को पता है, पर इस बताने से मैं लिंक अच्छा कर पाऊंगा आगे जाके आपको। तो आओ बच्चों यहां बोर्ड पे देखते हैं, देखो ये क्यू वन और क्यू टू दो चार्ज हुए हैं बच्चों, इसके बीच में ये वाला डस्टर रख दिया उसने, तो ये डस्टर जब रखा तो ये पार्शियल मीडियम हो गया। ये डिस्टेंस मेरे पास आर है, आर है, और ये उसकी टी थिकनेस है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। लिखना मत, बहुत देर सुनना बच्चों,
Q1 Q2 दो चार्ज है, बीच में मेरा हाथ या ये डस्टर आ गया, तो इन दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो वेरी करेगा। देखो बच्चों, अगर Q1 Q2 दो चार्ज है वैक्यूम में रखे हैं, तो मान लो उनके बीच का फोर्स 50 न्यूटन है। बच्चों डस्टर बीच में आ जाए दोनों चार्ज के, तो फोर्स 50 न्यूटन नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। वो कितना चेंज होगा उसकी स्टडी हम कर रहे हैं। लिखोगे नहीं यार कोई भी, है ना? तो इस स्टडी के लिए आपको क्या याद रखना है, इस पूरी फिजिक्स में आपको इस चैप्टर के अंदर ये 3 कांस्टेंट याद रखने हैं। एक का नाम है एप्सिलॉन नॉट, एक का नाम है एप्सिलॉन, और एक का नाम है एप्सिलॉन आर। ये 3 कांस्टेंट आपको इसमें याद रखने हैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर। इसका मतलब बहुत देर मुझे सुनोगे, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मैं अभी लिखवा रहा हूं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, PERMITTIVITY, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। हिंदी इसकी किसी को नहीं पता, मैं बताता हूं, सिर्फ मुझे ही पता है, सुन लो। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का मतलब है कि वैक्यूम से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होने का स्ट्रेंथ कितना है, कितना लाइन्स पास हो सकता है, ये परमिशन कहता है। परमिटिविटी मीन्स परमिशन हो गया एक तरह से। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे हाथ से 5 लाइन जा रहा है, किसी कहीं 10 लाइन जा रहा है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स जो पास होता है ना, उसकी परमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो बच्चों इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव माने किसकी रिस्पेक्ट में कितनी लाइन्स पास हो रहा है। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए मुझसे कि सर ये लाइन्स कहां से आ गई, क्या होता है लाइन वाइन ये। तो देखो बच्चों, जो चार्ज होता है ना, ये प्लस चार्ज है और ये प्लस आएगा तो रिपल करेगा। तो साइंटिस्ट के दिमाग में क्वेश्चन ही उठा कि ये क्यों रिपल करेगा, तो मैंने डायलॉग मारा था कि ये प्लस चार्ज चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसको इसका ओरा कहते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपल करेगा। फिर क्वेश्चन उठा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो बच्चों इंसान ने कल्पना की कि इस चार्ज के चारों तरफ लाइंस को इमेजिन किया, कि यहां से काल्पनिक इमेजिन लाइंस निकलती हैं, वो लाइन जो निकलती है उन्हीं को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। बच्चों एक प्लस चार्ज है अगर 50 लाइन निकाल रहा है तुम, और एक प्लस चार्ज है जो 10 लाइन निकाल रहा है, तो बच्चों जो 50 लाइन निकालेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। अब निकाल रहा है ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, सच्ची मुच्ची में कुछ नहीं होता, बस ये कल्पना एक इंसान की, कहना अच्छा तो मैं क्या करूंगा। अब मैं आपको डायलॉग मारता हूं टेक्निकल इसका। स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज, क्या बोला, ताकत ऑफ द चार्ज कैन बी एक्सप्लेन बाय लाइन्स ऑफ फोर्स। देखो किसी की ताकत कैसे बताओगे, अब इंसानों की ताकत बतानी हो तो क्या बताओगे, अब इंसानों की ताकत के लिए भैया कितना पैसा है, किस लीडर का बेटा है, या कितना बड़ा गुंडा है ना, यही ताकत है इंसान की। ऐसी चार्ज की ताकत बतानी हो बच्चों तो 3 चीजें पढ़नी पड़ती है, एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कितनी लाइन निकाल रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 3 चीजें हम इसमें पढ़ेंगे अलग अलग। तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, लाइन्स ऑफ फोर्स का मतलब चार्ज की स्ट्रेंथ को बताने का एक तरीका है, और ये लाइन्स ऑफ फोर्स इमेजिनरी होती है, कुछ नहीं होता, जहां जहां भी चार्ज रखे हैं वहां लाइन्स ऑफ फोर्स पक्का निकलेगी। बोलो यहां तक की बात क्लियर होगी बच्चों, तो मैं वापस स्टार्ट करता हूं। इसका नाम है, लिखना मत कोई भी, मैं लिखवाऊंगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका सिंबल मत भूलना, इसको ऐसे लिखते हैं ऐसे करके, ये ई शेप में होता है ये, ठीक है। और ये एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी मतलब मन में डालो परमिशन, किसकी परमिशन, लाइन्स ऑफ फोर्स कब ज्यादा होने की, कहना अच्छा ये बात है। तो 3 कांस्टेंट काम आते हैं बच्चों इस चैप्टर में। तो जब मैंने वैक्यूम का बताया था तो सिर्फ एक ही कांस्टेंट काम आया था, नाम था उसका एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला मैंने आपको रटवाया था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और के की वैल्यू होती है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी का नाम था, कहना अच्छा। अब आ जाओ सर आगे, तो आओ बच्चों अब आ जाते हैं हम पार्शियल मीडियम पे। ये आर डिस्टेंस है, टी थिकनेस का एक डस्टर रख दिया गया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, बच्चों डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही शब्द है, ये सिनोनिम है आपस में, मतलब कुछ भी कह दो इसको, के भी कह सकते हैं कई बार। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलूंगा या रिलेटिव परमिटिविटी, ये मैं लिखवा रहा हूं भी आपको, ये एक ही बात होती है। तो जो भी मेरे मुंह से निकल जाए समझ जाना एप्सिलॉन आर की बात हो रही है। तो आओ बच्चों देखो, ये है डस्टर, टी थिकनेस का है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, और आर ये डिस्टेंस है, तो इनके बीच का फोर्स कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है ना, ठीक है सर। तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना है बच्चों, वो फॉर्मूला इसका ये होता है पार्शियल मीडियम का, 1/4 pi epsilon naught q
Q1 Q2 याद करो, देखो मैंने आपको सिखाया था ना आज फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. तो देखो 1/4πε0 Q1 Q2 और R की जगह पुट करना है R minus T plus T root epsilon R का square. ये आपको दुनिया में आगे रखेगा. वापस सुनो बच्चों, 1/4πε0 कॉमन बात है, अपॉन आर स्क्वायर गायब हो गया. अब इफेक्टिव डिस्टेंस बदल गया, वो आएगा आर में से इसकी थिकनेस कम कर देना, आर माइनस टी, टी थिकनेस ऑफ स्लैब कहलाता है, प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर का स्क्वायर. लिखना नहीं है किसी को यार, प्लीज लिखना नहीं है. कहना अच्छा, तो मैंने कहा था कुलाम्स लॉ को समझाने के तीन तरीके हैं, स्केलर, वेक्टर, पोजिशन वेक्टर. स्केलर का तरीका है वैक्यूम में, स्केलर को पढ़ते हैं वैक्यूम में या मीडियम में. वैक्यूम में पढ़ना हो तो सिर्फ एक फॉर्मूला रटा जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. अगर मीडियम में पढ़ना हो तो मीडियम के दो बच्चे हुए थे, एक पार्शियल मीडियम एक फुली फिल मीडियम. मेरे प्यारे बच्चों, दो चार्ज के बीच में हाथ आ जाए तो इसे पार्शियल कहते हैं, और दोनों चार्ज अगर पानी में डाल दें तो सारा ही पानी भर गया तो इसी को फुली फिल्ड कहते हैं. कहना अच्छा, दोनों केस में फोर्स वेरी करेगा. अगर दो चार्ज वैक्यूम में है और फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है, अगर पानी में डालोगे तो बच्चों फोर्स लेस देन 50 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? कहना मेरे मोदी सर वही तो पढ़ा रहे हैं, क्यों हो जाएगा, अभी तो हमें समझा रहे हैं वो. पर याद रखना बच्चों, वैक्यूम में फोर्स 50 न्यूटन है, मेरा हाथ बीच में आ गया तो लेस देन 50 हो जाएगा. तो ये लेस देन 50 क्यों हो जाएगा? तो कहना हमारे सर यही समझा रहे हैं. अच्छा, तो आओ बच्चों, ये पार्शियल मीडियम हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर का स्क्वायर. इसके बाद हमने गेम खेला, ये लिखवा रहा हूं मैं अभी आपको. हमने क्या किया, एक लाइन बनाया, कितना अच्छा लाइन बनाया देखो, और यहां लिखा Q1 बच्चों, यहां लिखा हमने Q2. अब हमने जो ये मीडियम डाला था इसको लंबा कर दिया, खींच के ऐसे कर दिया बच्चों. देखो कितना इंटरेस्टिंग केस है, ऐसे कर दिया. कहना हाँ सर, आपने पहले मीडियम छोटा सा डाला था, अब हजारों डस्टर लगा दिए तो पूरा ही मीडियम भर दिया आपने. और अब हमें सिखाओगे कि दो चार्ज के फोर्स पे क्या फर्क पड़ा. ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था. कहना अच्छा, जब मैंने इसको बड़ा कर दिया तो बच्चों टी और आर सेम हो गए, तो यहां लिखना है टी इक्वल टू आर हो गया. पूछो क्यों, ये टी थिकनेस है, लंबा करोगे तो टी और आर सेम हो गए. कहना क्या बात है सर, तो यहां बच्चों टी की जगह आर रख देना. जब आप टी की जगह आर रखोगे तो आपके पास एफ मीडियम क्या आएगा, वो आपके पास आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन टी की जगह आर, आर माइनस प्लस आर रूट एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, क्योंकि मैंने टी की जगह आर रख दिया, लिखने की नहीं रखी अभी आपको. तो बच्चों आपकी लाइफ में क्या आई, कहना हमारी लाइफ में खुशियां आई. क्यों खुशियां आई, क्योंकि आर से आर कैंसिल हो गया. कहना अच्छा, तो एफ मीडियम कितना हो गया, तो हम बोलेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 by R square into 1/εr. ये आपने पास आ गया, तो ये मीडियम मेरे पास कहलाएगा बच्चों. अब ये हो गया मीडियम, कौन सा मीडियम है, फुली फिल्ड. ये फुली फिल्ड का फोर्स आ गया, ये पार्शियल का है, तो फुली फिल्ड का फोर्स जो है उसमें 1/εr एक्स्ट्रा आ गया. और बच्चों ये जो कचरा लिखा हुआ था इसको हम कहते हैं वैक्यूम, तो एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया. तो ये फुली फिल्ड मीडियम की फॉर्मूला हो गया, समझ में आया. तो अब आपको बोलना है, फायर करना है. कहना कूलम्स लॉ समझाने के तीन तरीके हैं, स्केलर वेक्टर पोजीशन वेक्टर. स्केलर के दो बच्चे हैं वैक्यूम मीडियम, मीडियम के दो बच्चे हैं पार्शियल फुली फिल्ड. ये लिखा हुआ है पार्शियल का और ये लिखा हुआ है फुली फिल्ड का. ठीक है, बनाओ नोट्स बच्चों.
अब बच्चों मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूं, सुनना। गुलाम श्लोक का सबसे पहले आराम से बोर्ड पे देखना। गुलाम श्लोक का पहला फॉर्मूला था एफ वैक्यूम, वो था वन अपॉन, लिखना मत प्लीज, पहले बोर्ड पे सुनना, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पहला फॉर्मूला था एफ वैक्यूम, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला था बच्चों पार्शियल मीडियम का, आपको लिखना नहीं है पार्शियल मीडियम, तो आपको बोलना है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर का स्क्वेयर। थर्ड फॉर्मूला था एफ मीडियम, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई और वन बाई एप्सिलॉन आर। फोर्थ फॉर्मूला था इस पूरे कचरे को कहते हैं वैक्यूम, तो एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। ये पूरा कचरा मिलके बच्चों एफ वैक्यूम कहलाता है, क्योंकि वैक्यूम का फॉर्मूला ये रहा, तो इसके कहना अच्छा। और यहां से एक नई बात बच्चों आपको सीखनी है, वो ये सीखनी है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर ये दोनों ही कॉन्स्टेंट है, इनको मिला के हम एक नया कॉन्स्टेंट कहते हैं एप्सिलॉन। कहना अच्छा, तो एफ मीडियम का एक फॉर्मूला आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मैं जो बोलूंगा उसे सुनेंगे। गुलाम श्लोक का ड्रामा पांच तरीके से किया जाता है। कहना अच्छा, पहला वैक्यूम में फोर्स, पार्शियल मीडियम में फोर्स, वैक्यूम में फोर्स था के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर, पार्शियल मीडियम में आर माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर का स्क्वेयर। फिर बोलना मीडियम में निकालना हो तो टी और आर सेम हो जाते हैं, तो आर से आर कैंसिल होकर क्या मिली थी आपको, खुशियां मिली थी, वो कैंसिल हो तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। ये जो फॉर्मूला पहले लिखा हुआ है इसे हम वैक्यूम कहते हैं, ये फॉर्मूला वैक्यूम का होता है, वैक्यूम को यहां डाल देते हैं, लिखना मत अभी आप। तो एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर आ गया बच्चों। उसके बाद मैंने बोला एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर इनको मिला के एप्सिलॉन कहते हैं, तो यहां लिख दिया एप्सिलॉन, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये पांच फॉर्मूले जो पूरी दुनिया में हर न्यूमेरिकल को करेंगे, अब कोई भी न्यूमेरिकल कर लेना इसके बाद। तो अब इन पे हम काम शुरू करेंगे, पर इससे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि मैं इनके नाम लिखाऊंगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर, और इनकी रिश्तेदारी क्या थी, इनकी रिश्तेदारी ये है कि दोनों मिलके एप्सिलॉन कहलाते हैं। कहना ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब तुमसे कोई पूछे तो आप किसी को भी पढ़ा देना और पैसे मांगना पचास रुपए पढ़ाने के। कहना हमसे कुछ गुलाम श्लोक क्या होता है, कहना गुलाम श्लोक तीन तरीके से होता है, स्केलर वेक्टर पोजिशन वेक्टर, स्केलर के दो बच्चे, वैक्यूम मीडियम, मीडियम के दो बच्चे, पार्शियल मीडियम फुली मीडियम, और उसके ये पांच फॉर्मूले और तीन रिश्तेदारियां होगी, बस खत्म। तो आओ बच्चों पहले ये लिखेंगे, इनके नाम मैं बोलूंगा, ये रिश्तेदारी लिखेंगे इनकी, तो लिखो ये फॉर्मूले बच्चों।
सब बच्चों ने कॉपी कर लिया? ये कॉपी हो गया है? बच्चों इनके नाम लिखवा रहा हूं, लिखें एप्सिलॉन, नोट लिखिए आप, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी PERMITTIVITY, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। दूसरा लिखें बच्चों, इसका नाम है ऊपर वाला है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, नीचे है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फिर लिखिए रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और लास्ट में लिखिए रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एप्सिलॉन हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मिलके एप्सिलॉन कहलाएगा। देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला जब मैंने आपको बताया था कि मीडियम का फॉर्मूला होता है एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आज आपको। अगर आपको याद नहीं हो तो नर्सरी क्लास में पढ़ाया जाता है कि मीडियम का फोर्स होता है 1/4πε0Q1Q2/r2। बोलो, हमारे मोदगिल सर ने यह सिखाया था कि ये मीडियम में इस कचरे को क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। अब बच्चों इस फॉर्मूले के मजे लेके देखते हैं, पहले आराम से सुनो। कहना 1/4πε0Q1Q2/r2 × 1/r। ये फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको बताया था, इज इट क्लियर? मैंने कहा था इसको वैक्यूम कहते हैं, अगर इसको वैक्यूम कहते हैं तो एफ मीडियम हो जाएगा एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर बच्चों। ठीक है, अब आपको दो नाटक करने हैं, आपको ऐसे बोलना है फॉर एनी मीडियम, बोलेगा कौन सा मीडियम? कहना है जैसे दो चार्ज के बीच में दूध आ जाए, चाय आ जाए, सोडा आ जाए, कुछ भी आ जाए दो चार्ज के बीच में बच्चों, तो वो जो फॉर एनी मीडियम कहलाता है, और उसमें एप्सिलॉन आर हमेशा एक से बड़ा होता है। ये क्यों होता है? तो कहना ये भी कम लोगों को पता है, तो कहना हमारे मोदगिल सर बताएंगे, वरना किसे पूछना कि क्यों है, कोई नहीं बता पाएगा ढंग से आपको, मैं सिखाऊंगा, पर अभी याद कर लो कि बच्चों ये एक से बड़ा होता है, हमेशा होता है बस। ये कहना अच्छा, अगर ये एक से बड़ा होगा बच्चों तो ये वैल्यू ज्यादा होगा डिनोमिनेटर में, अगर ये ज्यादा होगा तो मीडियम का फोर्स कम हो जाएगा। तो बच्चों डायलॉग मारो कि मीडियम में फोर्स हमेशा वैक्यूम से कम आता है। अपने गुरु को देखो, यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, दो चार्ज हैं, इनके बीच का फोर्स 50 न्यूटन है, अगर दोनों को पानी में डाल दोगे तो 50 न्यूटन से कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे एप्सिलॉन आर आ चुका है और वो एक से बड़ा है, इसलिए मीडियम का फोर्स वैक्यूम से कम आएगा। वापस मुझे देखो, दो चार्ज है, इनके बीच का फोर्स 50 न्यूटन है, मुझे देखो, मुझे नहीं तो पाप लगेगा, सिर्फ गुरु को देखो। दो चार्ज है, इनके बीच का फोर्स 50 न्यूटन है, इसको पानी में डिप कर दो तो बच्चों फोर्स लेस देन 50 हो जाएगा। कहना अच्छा, दो चार्ज का दो मास, ये दो पेन का दो मास, इनके बीच का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है जो 50 न्यूटन है, पानी में डाल दो तब भी 50 रहेगा। कहना क्या बात है यार, इसका मतलब सीखने को क्या मिला कि जो चार्ज का फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये कितना अच्छा पॉइंट था कि दो चार्ज का फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है और वो मीडियम में जाने से कम ही होता है, हमेशा ज्यादा नहीं होता है, पर दो मासेस का फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दो पत्थर पानी में डाल दो तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स तो चेंज नहीं होगा, पर उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है बच्चों। तो ये इसमें बताया कि मीडियम का फोर्स वैक्यूम से कम होता है क्योंकि एप्सिलॉन एक से बड़ा होता है, और ये बड़ा क्यों होता है? तो कहना हमारे मोदगिल सर बाद में सिखाएंगे, अभी सिर्फ समझा देगी, क्वेश्चन अच्छा है ये। अब बनाई लाइन यहां बच्चों हमने,
अब जीवन में हम आगे चले, यहां लिखा मैंने कंडक्टर्स, ये लिखा फॉर एनी मीडियम। एनी मीडियम में बच्चों बोलना है एक्सेप्ट कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? कहना विच इजली फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, कहना कौन से, कहना कॉपर है, लोहा या आयरन, कॉपर सिल्वर, ये सब कंडक्टर्स हैं बच्चों। तो जब दो चार्ज के बीच में कंडक्टर डाल दोगे आप, तो जीवन में याद रखना एक डायलॉग कि कंडक्टर का एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट होता है बच्चों। कंडक्टर का एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट होता है, कहना क्या बात है। तो बच्चों अब आपके पास जो फॉर्मूला था वो एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट हो गया, तो 1/∞ जीरो होता है। कईयों को नहीं पता हो तो सुन लो पहले ही, तो 1/∞ जीरो हो गया। तो बच्चों अगर जीरो हो गया तो मीडियम का फोर्स जीरो हो गया, कहना क्या बात है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों दो चार्ज के बीच में अगर कॉपर की प्लेट आ जाए तो उनके बीच का फोर्स जीरो हो जाएगा, पर दो चार्ज के बीच में कागज आ जाए तो कम हो जाएगा, पर अगर लोहे की प्लेट आ जाए तो जीरो हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपको बताता हूं एम्स में और आईआईटी में, दोनों में आया था, फॉर्म अलग अलग थे बच्चों। क्वेश्चन ये था कि एक शेल है, एक कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग शेल कॉपर का शेल है, उसके सेंटर पे Q1 चार्ज है, R डिस्टेंस, ये भी R और ये Q2 चार्ज है। तो बच्चों ये कॉपर का बना हुआ था, होलो शेल था, शेल मैंने होलो ही होता है बच्चों, स्फीयर मैंने सॉलिड होता है, शेल मैंने खाली खाली सा, तो ये होलो है। तो Q1 Q2 के बीच में 2R डिस्टेंस है, तो इनके बीच का फोर्स पूछा था, तो तुम कहना है लॉलीपॉप क्वेश्चन, क्योंकि दो चार्ज के बीच में कॉपर की प्लेट आ गई और कॉपर की प्लेट आने से फोर्स जीरो हो गया। तो क्यों मेहनत करे, चार नंबर का क्वेश्चन है ये आईआईटी के पेपर का और एम्स के पेपर का। तो हमें क्या पता लगा, वो पूछेगा क्यों जीरो हो गया, कहना देख भैया जो कॉपर होता है ये कंडक्टर होता है, और जो कंडक्टर होता है उसका कॉन्स्टेंट इनफाइनाइट होता है, और फॉर्मूले में 1/कॉन्स्टेंट आता है, जो 1/∞ जीरो हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बच्चों हमने किसकी रेड मारी आज, गुलाम स्लो की, ये लंबी कहानी है, ये तो आज बिल्कुल लॉलीपॉप चीजें पढ़ा रहा हूं। तो एक बार अपने सर को देखो आप, देखो बच्चों, कहना मेरे टीचर ने पढ़ाया हमें, यही याद करना क्लास में, घर जाके नहीं पढ़ना कुछ भी, कहना उसने पढ़ाया था भाई गुलाम स्लो। गुलाम स्लो होता क्या है, कहना गुलाम स्लो कैन बी एक्सप्लेन बाई 3 वेज, स्केलर वेक्टर पोजिशन वेक्टर। स्केलर को समझाना हो तो उसको दो तरीके होते हैं, वैक्यूम और मीडियम। मीडियम अगर समझना हो तो बच्चों दो तरीके होते हैं, पार्शल और फुली फिल्ड। दो मेरे को देखो, लिखो मत, दो चार्ज में अगर हाथ आएगा तो पार्शल, और दोनों चार्ज पानी में डालोगे तो फुली फिल्ड। तो मैंने पहले स्केलर का फॉर्मूला बताया, फिर पार्शल मीडियम का बताया, फिर फुली फिल मीडियम का बताया, फिर पांच फॉर्मूले लिखे, और फिर इस फॉर्मूले की रेड मारी जिसके ऊपर अपने रेक्टेंगल बनाया कि अगर कोई भी मीडियम होगा तो फोर्स कम होगा, कंडक्टर होगा तो जीरो होगा। कहना क्या बात है सर, याद ही हो गया तो आज के बाद। तो आओ बच्चों बनाओ नोट्स इसके। Q2 इनके बीच का फोर्स F है। अगर मैंने Q1 और Q2 के बीच में कोई मीडियम डाल दिया, इसका नाम है मीडियम,
मीडियम डाल दिया तो इनके बीच का जो फोर्स है बच्चों वो लेस देन एफ हो जाएगा, और यहां लिखना है फोर्स एफ। अभी लिखो मत, आप सुनो केवल। तो दो चार्ज के बीच का फोर्स एफ, अगर कोई मीडियम डाल दिया तो लेस देन एफ। सेकेंड पॉइंट, एम वन एम टू, दो चार्ज के बीच का फोर्स एफ, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा जब आप नर्सरी क्लास में होंगे, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर बच्चों? अगर ये दोनों चार्ज, दोनों मास एम वन एम टू, इनके बीच में मीडियम डाल दिया तो बच्चों फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो अगेन एफ होगा। कहना क्या बात है, ये वाला मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा और ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। आगे चले, तीसरा बात बच्चों, इसका नाम है POS। आपको सिर्फ सुनना है और मेरे से सीखना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, डायलॉग सुन लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2, इनके बीच का फोर्स है 10 न्यूटन। अगर मैंने यहां Q3 लाके रख दिया इसके पास में, ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस R/10 है। सिर्फ यहां देखना, मजा आ जाएगा। इन दो चार्ज के बीच का फोर्स 10 न्यूटन है, मैंने इसके पास Q3 लाके रखा R/10 डिस्टेंस पे, तो बच्चों ये 10 न्यूटन कम होगा या ज्यादा? अभी तो मुझे दिख नहीं रहे, पर आपको सुनना है, क्वेश्चन आएगा कि ये कम होगा या ज्यादा होगा, ये पूछेगा, आप मन में सोच लो। तो आपको ये डायलॉग मानना है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स 10 न्यूटन है, ये चार्ज R/10 डिस्टेंस पे रखा है, तो ये फोर्स कम हुआ या ज्यादा? कुछ भी बोलो, अपनी कॉपी में लिखो, जनरली आप हमेशा गलत होंगे, क्योंकि अपने गुरु को तो आप कहना मानोगे मानोगे, गलती करनी करनी है। आंसर है कि सर इस चार्ज को रखने से इन दोनों के बीच के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक इसके बीच में कोई मीडियम नहीं आता। दो चार्ज के साथ थर्ड चार्ज कहीं रखा हो तो इस चार्ज पे तो फोर्स चेंज होगा, पर आपस का फोर्स चेंज नहीं होता, क्योंकि आपस का फोर्स बच्चों डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, Q1 Q2 पे डिपेंड करता है, और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस तो वही रहेगा, चाहिए रख दो। तो आपको बोलना है, मेरी तरफ देखो, दो चार्ज रखे हो, इनके बीच का फोर्स 50 न्यूटन है, एक थर्ड चार्ज यहां रख दो तो इन दोनों के बीच के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डायलॉग कैसे याद करते हैं? मेरी स्टाइल में, कहना मोदगिल सर का स्टाइल बढ़िया था। कहना क्या स्टाइल था बताओ जरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बोलना, दो दोस्तों की दोस्ती पर तीसरे का फर्क नहीं पड़ता। क्या डायलॉग मारोगे? दो दोस्तों की दोस्ती पर तीसरे का फर्क नहीं पड़ता, तो दो चार्ज के बीच के फोर्स पर थर्ड चार्ज का इफेक्ट नहीं होता। इसी को दुनिया में POS कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बच्चों लिखो पहले एक लाइन, फिर ये फॉर्मूला कॉपी करने, लिखे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दो दोस्तों की दोस्ती पर तीसरे का फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखे, द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाई, इज नॉट अफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मैंने यही कहा था, द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। भैया यहां देखो, यहां देखो, दो चार्ज के बीच के फोर्स पर अदर चार्ज के प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज नोन एज POS, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दो चार्ज के फोर्स पे मीडियम का फर्क तो पड़ता है, पर दो चार्ज के बीच के आसपास कितने जमुरे डांस कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी का नाम था POS। तो करो बच्चों इसको कॉपी। आई होप कि तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने अभी स्टार्ट किया है कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ के बिल्कुल बेसिक बातें स्टार्ट की है। आज घर पे जाके मिरर देखना है और खड़े होकर डायलॉग मारना है, कूलम्स लॉ समझाने के तीन तरीके। वेक्टर क्या बोलोगे? स्केलर वेक्टर पोजिशन वेक्टर। अभी स्केलर ही पढ़ाया है, स्केलर के दो बच्चे, वैक्यूम मीडियम, मीडियम के दो बच्चे, पार्शियल फुली फिल, उनके पांच फॉर्मूले, तीन रिश्तेदारियां, और ये छोटी मोटी बातें सिखा दी। तो कहना बेस पक्का हो गया कूलम्स लॉ का। इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसके ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बच्चों। यहां तक की बात समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत हो कालिया सर को बता देना। किसी को कंफ्यूजन, जो बच्चे लेट आया है कि कहना मोदी सर की क्लास लगा दो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ा दे, तो जो बच्चे नए हैं उनके मैं हेल्प कर दूंगा। आज आ स्माइलिंग फेसेस को कॉपी कर लो प्यार से, ठीक है बच्चों?
बोलना है तो बोल सकता है। हाँ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है अभी, कि आज के लेक्चर में ये बता दीजिए, कुछ भी पूछना चाहे। नहीं, अगर नहीं पूछना तो बोलो थैंक यू सर। तो वेक्टर और पोजीशन वेक्टर वाला भी करना है बेटा? वो भी करेंगे, वेक्टर पोजीशन, पोजीशन वेक्टर तो आईआईटी में करते हैं स्पेशली हम, पोजीशन वेक्टर तो आईआईटी में करते हैं, पर वेक्टर बहुत डिटेल में करेंगे अपन, अगला लेक्चर वेक्टर के ऊपर ही है, आज तो बेसिक स्टार्ट किया है। और बोलो बच्चों, कुछ पूछना तो। किसने इसके अंदर Q1 Q2 के डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों? ये उस कंडीशन में होता है जब ये फिक्स होते हैं, 100% फर्क पड़ेगा, अगर ये रखूंगा तो चेंज हो जाएगा, पर कहना ये फिक्स रखते हुए स्टडी की जाती है। सुपरपोजिशन में क्या होता है, चार्जेस फिक्स कर देते हैं और फिर चार्ज रखते हैं, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। अगर आप इंडिपेंडेंट छोड़ोगे तो ये इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, ये तो जिंदगी भर चलते रहेंगे। ये अंकित ने पूछा शायद, जिस बच्चे ने, सुनो बच्चे, अगर ये चार्ज रखा और कोई पकड़ेगा नहीं कोई आदमी, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। कहना क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये चार्ज यहां से चलेगा और दिल्ली क्रॉस करता हुआ पहुंच जाएगा मध्य प्रदेश और पता नहीं कहां कहां पहुंच जाएगा। रीजन क्या है कि बच्चों, कोलंबिक फोर्स जीरो तब होता है जब आर इनफाइनाइट होता है, तो जब ये इनफाइनाइट होगा तब जाकर रुकेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इनको फिक्स करके फिर थर्ड चार्ज रखा गया और फिर बोला गया कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और पूछ लो कोई डाउट हो किसी तरह का। एनी डाउट बेटा? यू कैन स्विच ऑफ। यस यस, कंटिन्यू। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी कंट्रोवर्सी कहीं आती हो, कोई भी मन में आता हो कि सर ये कहां से कैसे। एक तो बच्चों को क्वेश्चन हो आप एवरीवन में लिखो, वो मैं पढ़ पाऊंगा एवरीवन, तो मैं पढ़ लूंगा, फिर कोई डाउट हो या बोल के पूछ लो बेटा। माइक ऑन करके यू कैन आस्क क्वेश्चंस। I think there is no question coming in, sir. ठीक है सर, must have understood everything for sure. ठीक है सर, right sir, right. Thank you students. Bye. Thank you sir. Say thank you everyone who attended the class. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Thank you sir.